भाई आइस तो है नहीं, और जितनी भी है उतने में ही 360 लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ड्रोन तो यहाँ पे ड्रामा कर रहे हैं। यहाँ पे लोग मिलिट्री एरिया है, ये एरिया है, वो एरिया है। तो स्वागत है आप लोगों का एक और नए फ्रेश व्लॉग में। मैं हूँ अभी जोशीपट में, जैसे कि आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा था। और अभी इंतज़ार हो रहा है अनमोल का, वो रूम से लेट निकला है सब कुछ करके, जैसे आपको लास्ट व्लॉग में आ गया। ये देखो क्या बन गया है, ये रोबोट। तो इस हमने नाश्ता कर लिया, इसका नाश्ता हमने बनवा दिया था, तो नाश्ता करेगा साथ में ही निकलेगा हमारे। फिर क्यों भाई, तो यहाँ से रोपवे का डिस्टेंस सिर्फ 300 मीटर कुछ का है, तो फटाफट से रोपवे में चलते हैं इसके नाश्ता करने के बाद। तो भैया पैक वैक कर लिया, अनमोल आ गया, इसने भी नाश्ता कर लिया, और इसके बाद हम निकल रहे हैं अब सीधा रोपवे की तरफ। शूज़ लेने हैं उससे पहले स्नो वाले, पर यहाँ नीचे मिलिट्री वाले मिल रहे थे, ब्लैक कलर में मिल जाए तो मज़े ही आ जाए। तो भैया जूते मिल गए हैं, काले जैसे चाहिए थे वैसे ही मिल गए, थोड़े अनकम्फर्टेबल है पर क्या करें, स्नो में तो यही काम आएंगे। रुको दिखाता हूँ भाई, इधर आओ बच्चा लोग। हाँ, हमारे ले लो, ये देखो थैंक यू। करो करो पीछे पीछे सही में ना। देखो भाई अपन ने सबसे अलग लिए, रोप वे पे आ गए हैं और काफी ऊपर चढ़ के, और ये जूते बिल्कुल समझ नहीं आ रहे मेरे को, पता नहीं क्यों पहनते लोग। अपना शू कवर लिया, इससे अच्छा प्लास्टिक का आता, अपने जो शूज पहने वो कम्फर्टेबल तो रहते हैं। इसमें से रोबोट बन गया हूँ मैं, चला ही नहीं जा रहा। ये ज्यादा समझदार लोग हैं तीनों। नहीं नहीं मुझे तो लगा ऐसा, मयंक भाई यार मैं आपके साइड हूँ यार, मयंक भाई यार ऐसा मत करो यार। ये एक तो ये नहीं, वो तो सीधा बंदा है, छोटा है, खराब करा है। अरे वो छोटा बंदा है, छोटा बच्चा, वो तो माफी वाला है, बजर बट्टू छोटा बच्चा है। ये तो ये हमारे ब्लॉगर भाई अनमोल जी, ब्लॉगर भाई रोडी। वो पैसेंजर्स की सहूलियत के लिए यहाँ पर वॉशरूम्स भी बना रखे हैं, मेल एंड फीमेल, और हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि 12:10 की है। 11:45 वाला जा रहा है अभी एक बैच, फिर उसके बाद हमारा नंबर है। अनमोल ने ऊपर की बुकिंग करा ली है, ये ऊपर रहने वाला है। वैसे मेरा बिल्कुल मन नहीं है ऊपर रहने का, क्योंकि बर्फ बर्फ है, मन नहीं है अभी, ये देखना अभी ऊपर जाके पलटेगा ये। अगर मन करेगा तो रुकेंगे, नहीं तो वापस आएंगे, देख लेना। तो सीन कुछ इस तरह से है कि ऊपर आते ही पोपट हो गया, यहाँ तो पानी पानी हो गई है, बर्फ। सीन ही नहीं समझ में आ रहा करना क्या है, यहाँ रुकना है या चलना है। मेरे तो बिल्कुल रुकने की मूड ही नहीं है रुकने का, इतना बेकार सी जगह लग रही है यहाँ पे एकदम। ये देखो भाई ऐसे कटा है हमारा, सिर्फ इतनी सी बर्फ है, दिख रहा होगा आप लोगों को, बाकी सब साफ है। ये पिलर नंबर 10 है बाय द वे, ये यहाँ पे हम एग्जिट ले लेते हैं। तो दो पिलर है, 8 नंबर 10 नंबर, 8 पे जिनका रिजोर्ट है वो उधर जाते हैं, 10 नंबर ये है जो टॉप है यहाँ का। इससे भी ऊपर है वो खच्चर वगैरह से चढ़ के जाते हैं, लेकिन वहाँ भी बर्फ़ नहीं है तो कोई मतलब नहीं बनता है जाके। बाकी दूर पहाड़ों पे तो थोड़ी थोड़ी स्नो दिख रही है, यहाँ से ड्रोन शॉट्स आ जाएंगे, तगड़े आएंगे, पर और कुछ नहीं है, बस ये गीला कीचड़ हो रखा है। जूते भी मेरे को नहीं लग रहा हमने अननेसेसरी वो पहने, क्योंकि ये कम्फर्टेबल भी नहीं लग रहे मेरे को तो। और वहाँ एक ये आर्टिफिशियल लेक दिख रही होगी आपको, वो लेक है, और ये खच्चरों से वापस आते हैं हम लोग, जवान है हम, पैदल चढ़ जाएंगे भाई। ठंड तो बिल्कुल भी नहीं है बॉस, बिल्कुल नामो निशान नहीं है ठंड का, जितना कपड़ा पहना है मैंने उतना सफिशियंट है। मतलब नीचे भी इतनी थी, बल्कि धूप है यहाँ पे, धूप में थोड़ी देर जाके बैठ जाओ, बहुत अच्छा फीलिंग आएगी, एक नंबर। बाल आज मैंने कोम वोम कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही धोए थे, ऐसे ही सूखने दिए, मैंने कहा चलो देखी जाएगी, क्योंकि टोपी पहननी थी ऊपर, पर टोपी वाला वेदर है नहीं। तो भैया थोड़ी क्वालिटी में डिफरेंस लेके आते हुए फिर से अपना छोटे वाला लेंस काम में लेते हुए एंडी फिल्टर के साथ में, और अभी ड्रोन उड़ा रहे हैं, देखते हैं ड्रोन की कैसी फुटेज आती है, क्योंकि आइस नहीं है, स्नो नहीं है यहाँ पे। तो अभी अनमोल अपना ड्रोन उड़ा रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया उसका, दिख रहा है, चलो मिल जाएगा वो तो। अभी मैगी ऑर्डर की है, 4 मैगियाँ मंगाई हैं, और मैगी के साथ में थोड़ा पानी वानी, जो चाय वाय, देखते हैं अभी और क्या करें, यहाँ ऊपर आए हैं तो मैगी तो खा के जाएंगे।
स्नो में आज और कुछ तो नहीं यार, थोड़ी सी स्नो थी, बहुत थोड़ी सी, उसमें जितनी मस्ती करनी थी कर ली। अनमोल तो अभी भी मस्ती कर रहा है। तो बर्फ़ में जैसे लास्ट क्लिप आपने देखी, मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई और दूसरी बैटरी मेरे को नहीं लग रहा था कि मैं लेके आया हूँ, पर फॉर्चुनेटली बैटरी मिल गई। एंड अभी अनमोल और संस्कार मेरा फ़ोन लेके गए हुए हैं फ़ोटोशूट करने, रील्स वगैरह बनाने के लिए, और यहाँ पे मैं हो रहा हूँ हद वाला बोर। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नीचे जाने की प्लानिंग रहेंगी, क्यों आकाश भैया? जी बिल्कुल। और आकाश भैया को मैंने अपना वो बना लिया। अरे यार धूप फिर से आ गई, एक सेकेंड, धूप से बचने के लिए इनको यहाँ खड़ा किया ताकि फ्रेम शॉट अच्छा आ जाए। कुछ भी नहीं मिला यार, मतलब पोपट हो गया, हर बार होता है हमारे साथ, इस बार भी हो गया। तो चलो फिर अब नीचे ही मिलते हैं डायरेक्ट, यहाँ तो कुछ है नहीं और बातें करने के लिए। लास्ट ड्रोन फुटेज की बात, हम डायरेक्ट आ गए थे वापस अपना होटल की तरफ जोशीमठ में, और यहाँ से निकलने की तैयारियां हैं कल। व्यू बहुत तगड़ा है नीचे से यार, ऊपर मेरे को तो कुछ अच्छी फीलिंग आई नहीं, सही बताऊं तो। अनमोल तेरे को आई? मजा ही नहीं आया, जो एक्सपेक्टेशन थी सारी बेकार गई। हाँ पर कोई नहीं यार, होता है कभी कभी ऐसा भी, मेरे साथ तो हर बार हो जाता है। ठंडी का भोपाल भी है, ठंडी बहुत है, ड्रोन यहाँ पे शोर कर रहा है बहुत ब्रर करके, और देख 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 वो देखो भाई नज़ारा होटल से कुछ ऐसा लगता है। तो भैया इस ब्लॉग के लिए इतने ही रखते हैं, मैं मिलूंगा आपसे अगले ब्लॉग में जो कि यहाँ से देहरादून तक का होगा। टिल देन गुड बाय, एज ऑलवेज टेक केयर माय फ्रेंड्स।